बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बरसे सीएम भूपेश। बीजेपी की यात्रा में नहीं आ रहे हैं लोग, सीएम भूपेश ने कहा यात्रा में नहीं आ रहे बीजेपी के बड़े नेता। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी आएंगी छत्तीसगढ़ और उन्होंने तंज घसा है कि यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है यहां पर बीजेपी की, क्योंकि ना अमित शाह आए ना स्मृति ईरानी आई, ये बात कही गई भूपेश बघेल की तरफ से। परिवर्तन यात्रा खर्च तो आपने देखा है कि ना उसमें अमित शाह जी पहुंचे ना स्मृति ईरानी जी पहुंच पाई, और वैसी जो उनकी यात्राएं चल रही है उसमें कोई बड़े नेता आ नहीं पा रहे हैं। कभी अभी हेमंत विश्व शर्मा आज आने की खबर है, सामंत जी के आने की खबर थी, तो बहुत ही ढीला ढाला उनका चल रहा है। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए बड़ा, महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। रायपुर में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का इकलौता राज्य है जहां आम आदमी को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि देश में नहीं पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा हो रही है। इस बात की खुशी है कि शासन की योजनाओं का लाभ जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, जो वास्तविक में उसे पीड़ित व्यक्ति हैं, उस तक ये योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और खासकर ये जो हमारी संस्था है और इस यूनिट ने जिस प्रकार से नागरिया जी ने, मैडम नागरिया ने जो बात कही कि ये हमारी यूनिट अब विश्व स्तरीय हो गई है, क्योंकि इसकी चर्चा दुनिया में होने लगी है। छत्तीसगढ़ की